मैं हो चुकी हूँ फ्रेश और अम्मी कर रही है यहाँ पे सर्दियों के मजे रूम हीटर के आगे। हमने अपना पुराना वाला रख दिया है क्योंकि थोड़ा हल्का जलता है, तो इसलिए भाई भाभी का रख रखा है हमने रूम हीटर अपने कमरे में, क्योंकि भाभी गई भी हैं कमरे में, पूरा सॉफ्ट और कोई भी नहीं है, भाई काम पे गए हुए, पापा भी अभी आए नहीं हैं, तो पूरे दिन अम्मी घर में रहती हैं, अकेला काम करती रहती है कुछ ना कुछ। तो अम्मी से पूछते हैं आज क्या क्या करा, आज कैसा रहा दिन? रोज की रूटीन वही घर की। क्या क्या काम करा, बोर हुई या नहीं हुई? सुबह मैंने तेरे को खाना बना के पैक करके दे दिया, लंच नाश्ता वास्ता, फिर उसके बाद दोपहर को खाना बनाया, दोपहर को खाना सबको खिला विला के, फिर मैंने थोड़ी देर के लिए बर्तन वर्तन धोकर आराम करा, फिर शाम को 5 बजे चाय बनाई, चाय पी, फिर उसके बाद मैं बाहर से मटर लेकर आई, मटर चावल बनाए, अभी लहसुन रखा था खराब हो रहा, तो मैं ये छील दूँ रख दूँ इसको, फिर सारा खराब हो जाएगा। मतलब बोर नहीं हुई, काम में बिजी थी? बिजी हूँ मैं, पहले खाली पड़ जाती थी, सोची रहती थी, लेकिन अब जब से दुल्हन गई है तो मैं काम करती रहती हूँ, कुछ ना कुछ मतलब करती रहती हूँ घर के अंदर। कल कपड़े धोए थे सारे, तो कपड़े तय करके रखे हैं वो सुबह, अभी जितना लहसुन लिख, खाना बन गया, खाना बन चुका, ले आओ आने वाले पापा के साथ खाएंगे सब, ठीक है चलो पापा का वेट करते हैं हम, इतना हम हाथ सेक लेते हैं, ये सही है मतलब इसकी, हाँ इसकी तेज है, यही हुमा वाला, यही है जो मैंने उसको दिया था, हमारा वाला बोतल का जलता है, इसको तो पावर तो घुमा दिया 2000 वाट का है ये ऐसा जैसा नॉर्मली हीटर नहीं होते जो खाना बनाने वाले उसकी तरह गर्म आएगी, मतलब चाय बन जाएगी इसके ऊपर रखेंगे तो, चाय रोटी रख के सेक लो ऊपर। हैप्पी एनिवर्सरी, थैंक यू। कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है, जैसा रोज लगता है मुझे तो वैसे ही लग रहा है। खुशी हो रही है, खुशी, बच्चे भी गए हुए हैं, लेकिन छुट्टी तो इसकी भी छुट्टी संडे की रहेगी, पापा की, बच्चों की, सबकी, तो हम कल सेलिब्रेट नहीं करेंगे मतलब? हाँ कल नहीं, संडे वाले दिन इंशाल्लाह। चलो इंशाल्लाह क्या, तुम्हें करना है क्या करना? तो पार्टी नहीं दोगी? पार्टी तुम्हारी तरफ से, गिफ्ट तुम्हारी तरफ से, गिफ्ट चाहिए ना मेरे को, हाँ जो भी होगा छोटा मोटा दे देंगे, नहीं चाहिए बड़ा सा चाहिए। पापा के चाहिए, पापा पापा क्या था, पापा को तुम्हारी पसंद, पापा को कैश दे देंगे, कैश कुछ लेके अपनी मर्जी से, पापा का समझ में नहीं आएगा क्या दे उनको, क्या दी, पापा से पूछ लेना, चलो पापा से पूछ लेंगे, पापा आएंगे तो। फ्रेंड्स खाना आ चुका है हमारा मटर पुलाव, तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। नेक्स्ट डे लग चुका है और आज अम्मी ने सबको अंडे बॉईल करके दिए हैं, तो चलिए करते हैं नाश्ता। फ्रेंड्स आ चुकी हूँ मैं ऑफिस और मैं कर रही हूँ पर काम ऑफिस का। तो फ्रेंड्स ऑफिस से मेरी छुट्टी हो चुकी है और गुड्डू घर आया हुआ है, तो ये नीचे आ गया था, मैंने उसको चीज़ दिला दी है, रोटी भी ले ली है, रोटी का भी? रोटी नहीं ली, रोटी तो ले रहे थे, रोटी बोला, अच्छा रोटी बोला है। आ चुकी हूँ मैं घर पे, अस्सलाम वालेकुम, तो आके ही बैठ गया, पहले चीज़ ला दी थी इसको मैं ना, क्या कर रहे हो सर्दियों में, क्या करने आया बेटा बता दो, खाला को बताओ क्या करना है आप, आज क्या है जल्दी बताओ क्या है, जुम्मा आज क्या है, तुम्हारी मम्मा क्या लेकर आई है, किस क्यों लेकर आई है केक, एनिवर्सरी, किसकी एनिवर्सरी है, किसकी नाम ले, नाम कौन है, करके बताओ, अम्मी नहीं पता मुझे, और नाम ही नहीं पता, बेइज्जती करा रहे हो तो, उन्होंने तुम्हारी बताओ जल्दी से, नानी अम्मी, अम्मी नहीं नानी कहते हैं, नानी ये था, ये इसके आगे बैठी हुई है, इसको इतनी ठंड लग रही है, मोटा कोट पहन रखा है, मोटे कपड़े पहने, शिमला में आई हुई है, रोटी वोटी क्या बनाया, कोरमा बना लिया था, सलाद और वो बना दिया, रायता वगैरह, कपड़े निकाल दिए मेरे, चेंज कर लेती हूँ, कर लो अब, वो तो ये छोड़ ये खुद आ गई अकेले। हेलो फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग, आप सब लोग अच्छे होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह हम भी आपकी दुआ से काफी अच्छे हैं, सलाम करो आप भी सबको, कैसे हो आप सब लोग, कैसे आप लोग, होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अच्छे होंगे। तो गुड्डू आए भाई आज घर पे, क्योंकि आज क्या है गुड्डू, क्यों आए वो बताओ जल्दी से, एनिवर्सरी है किसकी, नानी, नानी की एनिवर्सरी, तो आज अम्मी की एनिवर्सरी, वैसे तो हम संडे को सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन आज छोटा सा सेलिब्रेट कर रहे हैं हम, दो सिस्टर आई हुई है केक लेकर, छोटा सा सेलिब्रेशन घर पे हो जाता है, क्योंकि आज मेन डे है एनिवर्सरी का, तो पापा भी आ चुके हैं काम से, मैं भी फ्रेश नहीं हुई हूँ क्योंकि केक वगैरह कटवा के, गुड्डू क्या कर रहा है, तो फ्रेश वगैरह होके फिर हम कट करते हैं केक, या पहले कट कर लेते हैं केक,
तो अभी चलते हैं दूसरे रूम में, तो आपको दिखाते हैं वहाँ पे। बदतमीज बच्चा, ये रील सबने खाना खा लिया है, मैं रह गई हूँ, मेरा किसी ने वेट नहीं करा, मम्मी खाना खा रही है, मम्मी क्या खाऊंगी, यहाँ बज रहे गाने, चलो स्टार्ट करते हैं। ये ओके से खा रही है इसी प्लेट में दोनों, भूख लगी है, भूख लगी है, मैं पाप गरीब का दादा सब गरीब का, इसलिए गरीबी से खा रहा है। आप करके बैठ गए पूरा स्वेटर अपना पीछे से, पीछे से क्या हाल हो रहा है, जल्दी जल्दी सफा कर रहे थे, जल्दी जल्दी चाय बना के गर्मा गर्म लो चाय।
एंड चलिए करते हैं अब चेयरस चाय तो बड़ी अच्छी बनी दूध वाली चाय तो दूध की तो बनती है मतलब दूध वाली ना कड़क पत्ती की बनाई मैंने चाय तो इसलिए अच्छी लग रही है तुझे कैसी लग रही सही है मतलब एनिवर्सरी से स्पेशल चाय बनाई है क्यों वैसे घर में दूध निकलते ही धोरे बैठ जाता ना ऐसे करते धोरे मतलब धोरे यानी के पास आर यू कॉमेडी मी यहाँ बोलते हैं सो कंबल नहीं है तो फ्रेंड्स केक वगैरह कट हो चुका है अभी हमने छोटी सी सेलिब्रेट करा है क्योंकि अभी कोई था नहीं हम ही थे घर में अरे बहुत सारे लोग थे और इतनी अच्छी से बॉडी करी है इतनी अच्छी बॉडी बड़ा हरामी हो बेटा करी और क्या हाँ तो छोटा मोटा ही सेलिब्रेट करा है छोटा मोटा नहीं करा तो फ्रेंड्स केक वगैरह हमारा सब कट हो चुका है अभी हमने छोटा सा ही सेलिब्रेट करा था क्योंकि घर में कोई था नहीं तो हमने सोचा मैन एनिवर्सरी आज है वैसे तो हम संडे को सेलिब्रेट करते हैं लेकिन संडे को हमने करा नहीं संडे को भी करेंगे लेकिन आज छोटा मोटा कर लिया था ये हमारी बड़ी बहन आ गई थी केक लेकर आ गई थी इसे बड़ी फिक्र है तो हमने इसलिए छोटा सेलिब्रेट कर लिया बात ऐसी नौशाद के लिए मैंने मना कर दिया था ना कहने लगे मैं आऊंगा नहीं अम्मी तो मैंने संडे को आ जा आऊंगा तो मैंने चलो कोई बात नहीं संडे को ही आ जाना तो बेटी आई है अब छुट्टी भी पड़ गई बच्चों की रहने के लिए दुल्हन गई भी तो मैं चलो ये आ जाएगी अकेली रहती सोचता सा रहता घर के अंदर तो मैं इसलिए इसको बुला दुल्हन को गई आने से इसके आने से रोना हो गई नहीं मैं तो अकेली चुपचाप कोने में बैठ जाती चली जाती घर में जाती फिर रही छोटी बच्ची हो क्या समझ नहीं आता कि साथ रहो जो भी साफ सफाई है ये कर लेती हूं अभी आ गई है साफ सफाई बताओ हमारे उमेर उमेश की जगह नवासा है नवासा क्या हो नवासा भाई जल्दी से बच्ची की मेहनत को जरा 1000 करवा दो जो मतलब जल्दी से वो हो जाए कितने कम पड़ रहा है उम्मीद करते आप सबको पसंद आएगा चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और आगे से आगे शेयर करो और आगे लेके जाओ इसको मिलते हैं नए ब्लॉग में कब के लिए बाय बाय नहीं 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 रुको ब्लॉग कैसे लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कमेंट तो कोई करता ही नहीं है हम आपकी कमेंट का वेट करते बस 1000 इस महीने में करा दो जल्द से जल्द आगे फिर आगे अच्छे अच्छे ब्लॉग आएंगे मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में